लोकसभा में डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर विपक्ष का हंगामा। कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने आज फिर की पीएम मोदी के बयान की मांग। ट्रंप के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान, कहा जून में मोदी ट्रंप के बीच हुई मुलाकात लेकिन कश्मीर मुद्दे पर नहीं हुई कोई बात। लोकसभा में एक बार फिर बरसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, बोली सरकार के साथ नहीं तो कहलाते हैं शैतान, इस देश में खत्म हो रहा है लोकतंत्र। कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। शुक्रवार शाम 4 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी मात्रा में पुलिसकर्मी तैनात। कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद डीके शिवकुमार का बयान, अगर हाईकमान कहे तो वो विपक्ष का नेता बनने को तैयार। आज भी सुप्रीम कोर्ट में टली बागियों की याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश पर बीजेपी की नजर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी तो कांग्रेस जिम्मेदार, हम नहीं। राज्यसभा से विदाई पर सदन में रो पड़े एआईएडीएमके सांसद वासुदेवन मेत्रे, बोले मेरे दुनिया से अलविदा कहने पर शोक मत जताना। सदन में रणनीति तैयार करने के लिए सोनिया गांधी की लोकसभा राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक। अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद के साथ सोनिया ने की चर्चा। देश में बढ़ते अपराध को लेकर 49 सेलिब्रिटीज ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा पीड़ितों को मिलना चाहिए न्याय। पत्र पर मणिरत्नम, अदूर गोपाल कृष्णन, रामचंद्र गुहार, अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों के हस्ताक्षर। अपने ही भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त हुई सीबीआई, 3 साल में 19 अफसरों पर एफआईआर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में दी जानकारी। शास्त्री मुखर्जी और दीनदयाल के निधन की फिर जांच नहीं कराएगी सरकार, कहा किसी आयोग के गठन करने का प्रस्ताव नहीं। सपा सांसद आजम खान की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, जमीन हड़पने के कई केस दर्ज होने के बाद आजम खान पर शुरू हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। मुंबई में भी बारिश की चेतावनी, बीएमसी ने कर्मचारियों को किया तैनात। ट्रंप इमरान की नजदीकी से बढ़ सकती है भारत की मुश्किलें, अमेरिका से दूर हो सकता है भारत। अफगानिस्तान समझौते में भी ट्रंप ने पाक को दी तवज्जो। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को फिर घटाया, मांग में कमी को बताई वजह, 2020 से 21 में 7.2% की दर से बढ़ेगी जीडीपी। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य के जाते ही बदल गए 3 डिप्टी गवर्नरों के पोर्टफोलियो, बीपी कानूनगो को दिया गया महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति और पूर्वानुमान विभाग। वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद कीवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल का बयान, वर्ल्ड कप फाइनल मेरे क्रिकेट करियर का बेस्ट और सबसे बदतर दिन। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल सिलेक्टर से नाराज, भारत की सीनियर टीम ने जगह न मिलने पर जताई नाराजगी। द स्काई इज पिंक का फर्स्ट लुक जारी, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा वर्ल्ड प्रीमियर, सिनेमाघरों में 11 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। 5 राज्यों में टैक्स फ्री हुई ऋतिक रोशन की सुपर 30, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात और दिल्ली ने भी किया टैक्स फ्री।